down for what? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल रामजी। और आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ओप्पो F11 प्रो के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ओप्पो F11 प्रो के बारे में मैंने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है और कुछ ऐसा बातें जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता उसके बारे में, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में जाकर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के वीडियो को मैं शुरू करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल रामजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस को सबसे। तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ टीज़र जो ओप्पो ने रिलीज़ कर दिया है F11 प्रो के बारे में। और तो चलिए पहले मैं इस टीज़र को ही आपको दिखा देता हूँ। टीज़र को आप देख लीजिए अच्छे से। F11 Pro, brilliant portrait in low light. Oppo. तो देखिए, आपने टीजर में जो है पूरी तरह से सिर्फ कैमरा पर ही फोकस किया गया है और किसी तरह का कोई भी बात ओप्पो मेंशन नहीं कर रहा है कि प्रोसेसर क्या है, बैटरी क्या है, फ़ोन कैसा होने वाला है, गेम कैसा चलेगा, कुछ नहीं। बस आपको लो लाइट में अच्छा फोटोज आने वाले हैं। 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिल रहा है, पीछे आपको 48 मेगापिक्सल का एक PDAF कैमरा देखने को मिल रहा है, यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस कैमरा देखने को मिलेगा। प्लस आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो आपको पीछे का जो मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको वही रहेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी नहीं है और मेरे ख्याल से पब्लिक को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देखिए अब पीछे का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अब भी भरोसे लायक है। अगर मान लीजिए फ़ोन ख़राब होता है या फिर फ़ोन टूट जाता है स्क्रीन से, तो क्या भरोसा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ख़राब ना हो, क्योंकि वो आपके स्क्रीन के नीचे ही होता है। लेकिन अगर पीछे रहता है तो ये बात मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ जो हमें एक्सपीरियंस किया है, कि अगर पीछे रहता है तो फ़ोन देखिए ज़्यादातर टूटता है आगे से, ठीक है, स्क्रीन टूटता है, स्क्रीन ख़राब होता है। तो इसमें जो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि पीछे रहेगा तो आराम से आप अपना फ़ोन अनलॉक कर पाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपको आगे से होगा, पीछे से बहुत ही कम प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर तो बिल्कुल भी फ़ोन चेंज या नहीं चेंज के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकेशंस, जो सबसे मेन स्पेसिफिकेशन से पहले इस फ़ोन का आपको इसमें 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा। जी हाँ, 45 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा देखने को मिल रहा है, 6GB रैम देखने को मिलेगा आपको, 4500mAh बैटरी देखने को मिली है, लिथियम पॉलीमर, और आपको एक सामने 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको स्क्रीन पर किसी भी तरह का कोई भी छोटा मोटा दाग नहीं रहेगा, स्क्रीन पूरा आपको बेजर लेस रहेगा 6.5 इंचेस का, और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए डिस्प्ले के बारे में और अच्छे से बात कर लेते हैं। डिस्प्ले जो है आपको 2340x1080p पिक्सल्स डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और आपको जो है 396 PPI पिक्सल्स डेंसिटी रहेगा। बेजल लेस स्क्रीन है बिल्कुल, और आपको इसमें डुअल टच भी काम करता है, मल्टी टच भी काम कर सकता है। जी हाँ, रैम जो है आपको 6GB रैम देखने को मिल रहा है, और ग्राफिक्स जो है आपको मालिक G72 MP3 GPU देखने को मिलेगा, और आर्किटेक्ट है ये 64-bit पर, यानी कि आराम से आप इसमें फोर्टनाइट खेल सकते हैं, जो आप ओप्पो F9 में, ओप्पो F9 प्रो और ओप्पो F7 में आप जो नहीं कर सकते थे वो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि फोर्टनाइट जो दोनों ही फ़ोन्स में चलती है, लेकिन हाँ ओप्पो F9 प्रो में फोर्टनाइट आराम से आप इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। रियर कैमरा की बात, जैसे मैंने बताया कि 48 मेगापिक्सल का आपका रिजोल्यूशन रहेगा और सामने की तरफ जो आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा के बारे में थोड़े और डिटेल से आप जानकारी रख लीजिए। कैमरा जो आपको ऑटो फोकस फेस डिटेक्शन देखने को मिलेगा, प्लस आपको ऑटो फ्लैश भी रहेगा, इसमें आपको बॉडी डिटेक्शन काफ़ी अच्छे से करेगा, प्लस आपको बोके इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो बोके इफेक्ट काफ़ी अच्छी बात है, लोगों को आजकल पसंद है। सीमोस इमेज सेंसर मिलेगा, ये जो नया कुछ लाए हैं कंपनी, देखते हैं अगर फोन जब हाथ में आते हैं तभी बता पाऊंगा सीमोस इमेज सेंसर क्या काम करता है। आप इसमें कंटिन्यू शूटिंग कर सकते हैं, इसका मतलब कि जो उसका शटर स्पीड होगा काफ़ी कम होगा फोटो लेने का, लेकिन फोटो लेने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फोटो कब ले लिया है। एक्सपोजर कंपनसेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि एक्सपोजर जो काफ़ी अच्छा फ़ोन सेट करता है। ऑब्वियसली ओप्पो का फोन में कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा एक्सपोजर को लेकर। फेस डिटेक्शन आपको अच्छा दिन मिलने वाला है, प्लस आपको जो है इसमें HDR फोटो मिलने वाला और HDR मोड भी मिलेगा, तो HDR मोड तो ऑब्वियसली अच्छा ही होता है। iOS कंट्रोल आप कर पाएंगे, जी हाँ, और आपको जो है इसमें टच टू फोकस, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप टच टू फोकस करना चाहते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। जी हाँ, आपको ऐसा नहीं कि 8.1 उसके बाद एक महीने बाद आपको अपडेट आएगा, नहीं, ऑलरेडी
आपको एंड्रॉइड 9 पाई में आएगा, आपको जो इसमें यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपको इसमें जो है फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में जैसे बता दिया कि पीछे तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है, प्लस आपको जीपीएस का भी मिलने वाला सपोर्ट। सेंसर्स की बात की जाए तो आपको इसमें एक्सेलेरोमीटर, प्रिक्सोमीटर सेंसर और आपको एम्बिशियंस लाइट देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको जितने भी छोटे मोटे जितने बच्चे वाले जो आपको मिलते हैं सेंसर्स, वो सभी तरह के इसमें मौजूद है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कैमरा के मामले में देखिए मुझे पूरा सही से नहीं मिला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मैं बता पाता हूँ कि इसमें आपको EIS का भी सपोर्ट आराम से देखने को मिल रहा है, प्लस आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, और नाइट फोटोज भी आपको काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। ये तो आपको टीज़र में पता चली गया होगा। 3.5 mm का जैक मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है। जी हाँ, बात मैं यही बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बात है। इस चीज़ को देख के मैं काफ़ी खुश हो गया था। आपको अभी भी 3.5 mm का जैक मिल रहा है, जो अभी काफ़ी कंपनीज डिस कर चुकी हैं, लेकिन ओप्पो और वीवो ने ये बात को अपने अंदर रखा है और फोन्स के अंदर डाला है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको इंटरनल स्टोरेज जिसमें 128 GB रैम, सॉरी मतलब 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोग देखने को मिलता है स्टार्टिंग का, और आप मैक्सिमम कार्ड इसमें स्लॉट कर सकते हैं 256 GB तक, यानी कि 256 GB तक। OTGB का आपको सपोर्ट मिलता है, प्लस आप इसमें दो जियो के 4G सिम्स लगा सकते हैं और दोनों ही बिल्कुल रनिंग कंडीशन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक बंद हो या एक चालू रहेगा, दोनों चालू करके आराम से आप इधर से उधर स्विच कर सकते हैं बिना फ़ोन बंद किए, और आराम से आपका जो है फ़ोन दोनों सिम को संभाल लेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर आपको जियो पसंद है तो। और बैटरी के बारे में जैसे मैंने बताया आपको 4500 mAh का आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलेगा, प्लस आपको इसमें नॉन रिमूवेबल बैटरी, तो बैटरी नहीं हटा सकते हैं, और आपको फास्ट चार्जिंग जो इसमें मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस फ़ोन का जो मैंने प्रोसेसर आपको नहीं बताया, तो प्रोसेसर देखिए मुझे भी सही से नहीं पता, इसमें दो प्रोसेसर हो सकता है, या तो इसमें मीडियाटेक का लियो P70 हो सकता है, या फिर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 हो सकता है, क्योंकि ओप्पो ने बताया था कि फरवरी में कोई फ़ोन आएगा इनका या मार्च में कोई फ़ोन आएगा इनका जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ आएगा। लेकिन अगर ये फ़ोन मीडियाटेक की लियो P70 आता है, तो मेरा पर्सनल मैं गाइड करता हूं आपको, इस फ़ोन को बिल्कुल मत लीजिएगा, बिना सोचे समझे जाके वीवो V15 Pro ले लीजिए, इससे लाख गुना बेटर है हर चीज़ में, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 लेके आता है, तो मैं आपको फिर से वही पर्सनली आपको गाइड करता हूं, यही फ़ोन को लीजिएगा, वीवो 15 की तरफ देखेगा भी मत, सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से कुछ नहीं होता है मेरे फ्रेंड, आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए जो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाए। अगर आपको मीडियाटेक का हेलियो P70 ही देना है, तो फिर मैं रियलमी U1 नहीं ले लूँगा, 4 GB रैम वाले ब्रांड, हाँ भले ही उसमें एक फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ना हो, लेकिन बाकी सभी कुछ है जो आपको एक ओप्पो F9 प्रो में हो सकता है। तो ये बात मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, इस फोन का जो प्राइस है आपको 35,990 हो सकता है। जी हाँ, एक्सपेक्टेटेड प्राइस है, तो मेरे पर उंगली मत उठाइएगा या फिर कमेंट्स में मत बोलिएगा कि आप कैसे बता सकते हैं इससे कम है या ज़्यादा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला उतनी तक। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय, और हमारे चैनल के संग ऐसे ही बने रहिए, फ्यूचर में आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। And on we'll go.